हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस में। साथियों, आज 1 अप्रैल 2020 वार बुधवार के करंट अफेयर्स जी के एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ मैं हाजिर हूं। आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स जी के क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी ने भारत सरकार द्वारा स्थापित नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF के माध्यम से भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने का ऐलान किया है? ऑप्शन ए 50 मिलियन, ऑप्शन बी 100 मिलियन, ऑप्शन सी 150 मिलियन और ऑप्शन डी 200 मिलियन। दोस्तों, NIIF में ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 100 मिलियन डॉलर निवेश करने का ऐलान किया है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 100 मिलियन डॉलर। NIIF की बात करें तो NIIF फरवरी 2015 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था और NIIF भारत का पहला सॉवरिन वेल्थ फंड है। NIIF जो प्लेटफॉर्म के जरिए ADB का निवेश होगा, जिसके लिए FOF ने 700 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता सुरक्षित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या दो। किस देश के जाने माने हास्य अभिनेता कैन सुमोरा का कोरोना वायरस महामारी के चलते निधन हो गया है? दोस्तों, इस समय वर्तमान में पूरे विश्व में कोरोना वायरस महामारी ने विकराल रूप ले रखा है, तो उसके कारण हास्य अभिनेता कैन सुमोरो का निधन हुआ है, तो वह किस देश के हैं? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो साथ कैन सुमोरा जापान के हास्य अभिनेता है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जापान। कैन सुमोरा के बारे में बात की जाए तो कैन सिमुरा ने योमी यामाड़ा द्वारा निर्देशित अपनी पहली फीचर फिल्म गॉड ऑफ सिनेमा से अभिनय में लोकप्रियता हासिल की थी। इसके अलावा कैन सिमुरा पश्चिमी टोक्यो के हिगासुमु रायामा में पले बढ़े और उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत तब की थी जब वे जापानी रॉक बैंड और कॉमेडी ग्रुप द डिफेक्टर्स में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या तीन। भारत के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित MACS 4028 निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है? ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गेहूं और ऑप्शन डी गन्ना। साथियों, MACS 4028 एक गेहूं की किस्म है जिसे पुणे के अघेरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI के वैज्ञानिकों ने गेहूं की बायो फर्टिलाइजर किस्म MACS 4028 4028 विकसित की है, जिसमें कि उच्च प्रोटीन होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गेहूं की यह किस्म है। ARI भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। MACS 4028 के विकसित किए जाने की जानकारी इंडियन जर्नल ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में भी प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या चार। COVID-19 महामारी जैसी किसी भी आपात या संकट की स्थिति में जन भागीदारी को शामिल करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री जन भागीदारी कोष, ऑप्शन बी PM केयर्स, ऑप्शन सी गरीब कल्याण न्यास, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री राहत कोष। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष PM केयर्स नामक ट्रस्ट बनाने की घोषणा की है, जो कि वर्तमान में चालू है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी PM केयर्स। यह जो कोष है, इस विशेष राष्ट्रीय कोष का प्राथमिक उद्देश्य है क्या है? COVID-19 महामारी जैसी किसी भी आपात या संकट की स्थिति में निपटना। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या पांच। किस राज्य की सरकार ने लॉकडाउन के दौरान स्लम में रहने वाले लोगों के लिए मोबाइल हैंड वॉश सुविधाओं की शुरुआत की है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश की सरकार ने, ऑप्शन बी राजस्थान सरकार ने, ऑप्शन सी दिल्ली सरकार ने, ऑप्शन डी हरियाणा सरकार ने। तो साथियों, यह सुविधा आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुरू की है और उन्हें जो यह सुविधा है उन्हें यह सुविधा COVID-19 से बचाने के लिए शुरू की गई है। इससे राज्य के अधिकारियों और झुग्गी वासियों दोनों के लिए हाथ धोने की मोबाइल हैंड वॉश सुविधा काफी आसान हो गई है। ये जो सुविधा है, इसमें एक पानी के टैंकर को एक वाहन में फिट किया गया है, जिसमें चार नल कनेक्शन, चार वॉश बेसिन बने हैं और इसमें दो साबुन डिस्पेंसर भी लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या छह।
भारत के स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के बच्चों को निःशुल्क ऑनलाइन ट्रेनिंग्स देने के लिए किसने घोषणा की है? ऑप्शन ए NIOS ने, ऑप्शन बी इंटरनल साला ट्रेनिंग्स ने, ऑप्शन सी नीति आयोग ने, ऑप्शन डी शिक्षा विभाग ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंटरनल साला ट्रेनिंग्स ने। और जो ये पहल है, इस पहल के जरिए इंटरनल साला ट्रेनिंग्स स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में काम करने वाले उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, निम्नलिखित में से 31 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए विश्व जीवन दिवस, ऑप्शन बी विश्व सेवा दिवस, ऑप्शन सी विश्व ब्रेकअप दिवस, ऑप्शन डी विश्व प्यार दिवस। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विश्व ब्रेकअप दिवस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने COVID-19 के खतरे के बावजूद भारत में LPG गैस की कमी ने होने देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी चीन। दोस्तों, भारत में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन घोषित किया हुआ है। इस कंडीशन में LPG यानी कि लोग घरों में हैं तो LPG की खपत बढ़ गई है। वैसे भी भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है जो LPG गैस का सबसे अधिक आयात करता है। तो सऊदी अरब ने भारत में COVID-19 के खतरे के बावजूद भारत में LPG गैस की कमी न होने देने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सऊदी अरब देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, प्रत्येक वर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 मार्च को, ऑप्शन बी 31 मार्च को, ऑप्शन सी 1 अप्रैल को, ऑप्शन डी 2 अप्रैल को। साथियों, राजस्थान जो कि भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य का राजस्थान दिवस जो राज्य दिवस है वह 30 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए 30 मार्च, राजस्थान राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 10 और आज का हमारा लास्ट प्रश्न, प्रत्येक वर्ष विश्व मूर्ख दिवस वर्ल्ड पुलिस डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन जिसे अप्रैल फूल के नाम से भी जाना जाता है, अप्रैल फूल कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 30 मार्च को, ऑप्शन बी 31 मार्च को, ऑप्शन सी 1 अप्रैल को और ऑप्शन डी 2 अप्रैल को। तो साथियों, 1 अप्रैल को विश्व मूर्ख दिवस या वर्ल्ड पुलिस डे या अप्रैल फूल मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 1 अप्रैल। साथियों, ये था हमारा करंट अफेयर्स GK जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम्स के लिए। साथियों, इसके अलावा हम लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर राजस्थान GK राजस्थान अध्ययन के नाम से स्टार्ट कर रहे हैं। राजस्थान अध्ययन में आप पढ़ेंगे राजस्थान का GK, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की संस्कृति, भूगोल, कला, साहित्य, राजनीतिक, आर्थिक, अर्थव्यवस्था, सामाजिक चेतना, इसके बारे में आप पढ़ेंगे जो कि हम बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं। तो कृपया करके हमारे वीडियोस कंटिन्यू देखते रहें और आपके लिए करंट अफेयर्स डेली अपडेट होता रहेगा, इसका वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही साथ अगर बहुत अच्छा है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटा दबाएँ। साथ ही साथ इस वीडियो का PDF डाउनलोड करें। PDF डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बाकी अदर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे, वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।